हेलो फ्रेंड्स, हियर आई एम विद अ न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम क्लास 10th इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। इस सेकंड चैप्टर का नाम है वेब एप्लीकेशंस एंड सम बेसिक्स। तो इस चैप्टर में टोटल 8 सेशंस हैं। इसका पहला सेशन हम इस वीडियो में कवर करेंगे, जिस सेशन का नाम है वर्किंग विद एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस। इस वीडियो को स्टार्ट करने के पहले हम एक छोटी सी टर्म पर ध्यान देते हैं, पीपल विद स्पेशल नीड्स। पीपल विद स्पेशल नीड्स मतलब ऐसे लोग जिनको कुछ स्पेशल ज़रूरतें होती हैं। दैट मीन्स कि वो सुन नहीं सकते, वो देख नहीं सकते, चल नहीं सकते, उनकी फिंगर्स में प्रॉब्लम हो या समझने में प्रॉब्लम हो, कोई मेंटल प्रॉब्लम हो। तो ये सारी डिसेबिलिटीज़ जो हैं, हैंडीकैप्ड लोग होते हैं। तो इसके लिए एक नया वर्ड यूज़ किया जाता है, पीपल विद स्पेशल नीड्स। ठीक है, तो देयर इज़ अ सेक्शन इन द सोसाइटी which is deprived of technological growth. This section of society comprises of people who are known as people with special needs. मतलब क्या हुआ इसका कि हमारी सोसाइटी में कुछ ऐसे लोग हैं जिनको ये स्पेशल नीड्स की ज़रूरत है, और वो लोग इन स्पेशल नीड्स की वजह से टेक्नोलॉजी को यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट जैसी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो डिसेबल फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, मतलब ऐसे लोग जिनको डिसेबिलिटी है वो भी उन प्रोडक्ट्स को यूज़ कर सकते हैं। तो उसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज़ में कुछ फीचर्स डाले हैं जिससे कोई डिसेबल पर्सन भी उस कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकता है, उस पर काम कर सकता है और उस टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकता है। तो हम इसी फीचर को पढ़ने वाले हैं। इस फीचर का नाम है एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस। इस एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन को अगर हम खोलना चाहें, ओपन करना चाहें, तो ये हमको ईज़ ऑफ एक्सेस के अंदर ईज़ ऑफ एक्सेस सेंटर ऑप्शन में मिलती हैं सारी चीज़ें। तो इसको निकालने के, ओपन करने के बहुत सारे तरीके हैं। हम एक एक करके वन बाय वन पहले तो इसको ओपन करने की मेथड्स देखते हैं। सबसे पहली मेथड है कंट्रोल पैनल के थ्रू। कंट्रोल पैनल के थ्रू अगर हम इसको सर्च करें तो स्टार्ट पे जाएंगे। स्टार्ट पे जाने के बाद हमको राइट हैंड साइड पर कंट्रोल पैनल का ऑप्शन दिख जाएगा। यू कैन ओपन द कंट्रोल पैनल फ्रॉम देयर ऑल्सो। कंट्रोल पैनल खोलने का दूसरा तरीका है, स्टार्ट पे जाएंगे, ऑल प्रोग्राम्स पे क्लिक करेंगे, एसेसरीज पे क्लिक करेंगे, फिर सिस्टम टूल्स पे क्लिक करेंगे, एंड आफ्टर दैट यू विल बी एबल टू क्लिक ऑन कंट्रोल पैनल ऑप्शन। मेथड 3 आती है क्लिकिंग ऑन कंट्रोल पैनल आइकन ऑन डेस्कटॉप। इसका मतलब क्या हुआ कि जो डेस्कटॉप है उस डेस्कटॉप पे भी आपको कंट्रोल पैनल का आइकन दिखता है। उस आइकन पे आप डबल क्लिक करेंगे तो कंट्रोल पैनल ओपन हो जाएगा। कंट्रोल पैनल ओपन करने के बाद आपको वहाँ पर राइट हैंड साइड पे लास्ट ऑप्शन दिखेगा, ईज़ ऑफ एक्सेस। उस ईज़ ऑफ एक्सेस ऑप्शन को जब आप क्लिक करेंगे तो एक नई विंडो ओपन होगी और उस विंडो में आपको मिलेगा ईज़ ऑफ एक्सेस सेंटर। इस ईज़ ऑफ एक्सेस सेंटर में हमारी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, सारे फंक्शंस हैं जो एक डिसेबल पर्सन को प्रॉपरली फ्रेंडली मैनर में कंप्यूटर को यूज़ करने में हेल्प करता है। दूसरा तरीका ईज़ ऑफ एक्सेस सेंटर तक जाने का, स्टार्ट मेन्यू। स्टार्ट मेन्यू में भी ईज़ ऑफ एक्सेस सेंटर दिखता है। स्टार्ट पे जाएंगे, ऑल प्रोग्राम्स, एसेसरीज। एसेसरीज में ईज़ ऑफ एक्सेस नाम का बटन आएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो यू विल गेट द ऑप्शन ऑफ ईज़ ऑफ एक्सेस सेंटर। वहाँ से भी ओपन हो सकता है। इसका दूसरा तरीका, तीसरा तरीका सॉरी, फ्रॉम द लॉग इन स्क्रीन। जब हम लॉग इन करते हैं विंडोज़ 7 में तो वहाँ पे लेफ्ट कॉर्नर पे आपको ये बटन दिखता है ईज़ ऑफ एक्सेस सेंटर का। चौथा तरीका फ्रॉम द कीबोर्ड। कीबोर्ड के थ्रू भी आप इसको ओपन कर सकते हैं। विंडोज़ की प्रेस करें और उसको दबा के रखते हुए यू प्रेस करें तो आपको ये ईज़ ऑफ एक्सेस सेंटर ओपन हो जाएगा। अब इस ईज़ ऑफ एक्सेस सेंटर में बहुत सारे टूल्स हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग आती है क्विक एक्सेस टू कॉमन टूल्स। इन कॉमन टूल्स को हम एक्सेस कैसे करें? तो इसको जब आप ईज़ ऑफ एक्सेस सेंटर खोलते हैं तो आपको एक नई विंडो मिलती है। ऊपर लिखा हुआ होता है मेक योर कंप्यूटर ईजियर टू यूज़। उसमें आपको अलग अलग ऑप्शंस दिखते हैं, स्टार्ट मैग्नीफायर, स्टार्ट नरेटर, स्टार्ट ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, सेटअप हाई कॉन्ट्रास्ट। तो ये सारी चीज़ें जो हैं एक डिसेबल्ड पर्सन को, पर्सन विद स्पेशल नीड को, सारी चीज़ें प्रॉपरली कंप्यूटर को यूज़ करने में हेल्प करता है। सबसे पहला हम देखते हैं मैग्नीफायर। मैग्नीफायर ओपन करने के लिए जस्ट वो मैग्नीफायर बटन जो है उस पर आप प्रॉपरली क्लिक कर लोगे तो वो मैग्नीफाई टूल खुल जाएगा। मैग्नीफाई टूल दिखता है, उसमें आपको माइनस और प्लस के 2 सिंबल दिखेंगे। उसके साइड में वो परसेंटेज शो करता है कि कितने परसेंटेज तक हमने जूम किया है, जूम आउट या जूम इन किया हुआ है। इसकी मदद से क्या होता है, ऐसा पर्सन जिसको इम्पेयरमेंट डिफेक्ट है, जो क्लियरली देख नहीं सकता, उसके लिए ये बहुत हेल्पफुल टूल होता है। इससे वो उसको मैक्सिमाइज़ कर सकता है, मिनिमाइज़ कर सकता है किसी भी ऑब्जेक्ट को जब वो देखना चाहे। तो ये माइनस प्लस जूम इन जूम आउट के लिए होता है। दूसरा ऑप्शन होता है व्यूज़ के लिए। तो व्यूज़ का जो ऑप्शन जब हम क्लिक करते हैं तो उसमें हमको शॉर्टकट कीज़ और नाम दिखता है। सबसे पहला ऑप्शन आता है फुल स्क्रीन। फुल स्क्रीन में मतलब वो पूरी स्क्रीन को जूम कर देता है एक पर्टिकुलर लेवल तक, डिपेंडिंग ऑन द जूम इन जूम आउट। लेंस व्यू आता है। लेंस व्यू जो होता है कर्सर के चारों तरफ का एक स्क्वायर बॉक्स बना देता है या रेक्टेंगुलर बॉक्स बना देता है और उसको जूम कर देता है, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं। दूसरा आता है डॉक्ड व्यू। डॉक्ड व्यू में क्या होता है, जहां हमारा कर्सर होता है उसके एक प्रॉपर रेक्टेंगुलर फ्रेम बना देता है, उसके ठीक ऊपर उसको जूम करके शो करता है, दैट इज डॉक्ड व्यू। इसके बाद हम आते हैं उसमें तो मैग्नीफायर का ऑप्शन आता है। मैग्नीफायर ऑप्शंस में सबसे पहले आपको दिख रहा है सेट हाउ मच द व्यू चेंजेस व्हेन जूमिंग इन और आउट। तो ये क्या बताता है कि जब भी क्विकली मैग्नीफायर को जूम इन या जूम आउट किया जाता है तो जूम इंक्रीमेंट कितना होता है ये उसको डिटरमाइन करता है कि स्लाइडर लेफ़्ट की साइड कम जाएगा, ज़्यादा जाएगा, राइट की साइड ज़्यादा जाएगा, कम जाएगा, जूम फास्टर, तो ये सारी चीज़ें वो उसमें हेल्प करता है। दूसरा ऑप्शन दिख रहा है आपको टर्न ऑन कलर इन्वर्जन। कलर इन्वर्जन क्या करता है, कलर वैल्यूज़ को स्वैप कर देता है और कॉन्ट्रास्ट बढ़ाता है बिटवीन द आइटम्स ऑन द स्क्रीन। जैसे कि ब्लैक टेक्स्ट है वाइट स्क्रीन पे, तो वाइट टेक्स्ट ब्लैक स्क्रीन पे ज़्यादा अच्छा दिखता है, तो दिस इंक्रीजेज द रीडेबिलिटी ऑफ द यूज़र। जैसे अगर इम्पेयर डिफेक्ट है और ब्लैक स्क्रीन रख रखी है हमने, ब्लैक स्क्रीन पे वाइट कलर से टेक्स्ट लिखा हुआ है तो इट विल बी क्लियरली विजिबल, तो इसलिए ये कलर इन्वर्जन हेल्प करता है। तो सिलेक्ट द टर्न ऑन कलर इन्वर्जन, जब हम इसके चेकबॉक्स पर टिक कर देते हैं तो ये सारी चीज़ें हमको प्रॉपरली विजिबल होती है। थर्ड ऑप्शन आता है इसमें ट्रैकिंग। ट्रैकिंग में क्या करते हैं, हम मैग्नीफायर की मदद से उसको ट्रैक करते हैं, माउस पॉइंटर को, कीबोर्ड स्ट्रोक्स को या फिर इंसर्शन पॉइंट को। तो सबसे पहला आता है फॉलो द माउस पॉइंटर। दिस ऑप्शन डिस्प्लेस द एरिया अराउंड द माउस पॉइंटर। जो माउस पॉइंटर है उसके आसपास का जो एरिया होता है ये उसको डिस्प्ले कर देता है ताकि हमें विजिबल हो कि माउस हमारा कहाँ पर है और उसके आसपास चारों चीज़ें में क्या क्या है। नेक्स्ट आता है फॉलो द कीबोर्ड फोकस। इट डिस्प्लेस द एरिया अराउंड द पॉइंटर। जो पॉइंटर है उसके आसपास जो एरिया है उसको वो डिस्प्ले करता है व्हेन यू प्रेस द टैब और एरो कीज। थर्ड है हैव मैग्नीफायर फॉलो द टेक्स्ट इंसर्शन पॉइंट। मतलब जहाँ पे हम टेक्स्ट इंसर्ट कर रहे हैं उस एरिया को वो क्लियरली मैग्नीफाई करके हमको शो करता है। इसमें आपको ऑप्शन दिख रहा है कंट्रोल वेदर मैग्नीफायर स्टार्ट्स व्हेन आई लॉग ऑन। तो ये ऑप्शन क्या करता है कि ये बता देता है कि जैसे ही हम लॉग ऑन करेंगे उस टाइम पे ऑटोमेटिकली मैग्नीफायर अपना काम चालू कर देगा, ताकि जो अगर इम्पेयर्ड पर्सन है वो अगर जो देख नहीं पा रहा है तो वो अगर लॉग इन करता है कंप्यूटर में तो उसके लॉग इन करते से ही मैग्नीफायर का काम स्टार्ट हो जाता है, जिसकी मदद से वो कंप्यूटर को ईजीली एक्सेस कर सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा स्टार्ट नैरेटर। स्टार्ट नैरेटर में क्या करता है, नैरेटर नैरेट करता है। नैरेट किस तरह से करेगा, वो सारी चीज़ें हमको बोल के बताएगा। तो इसमें अलग अलग ऑप्शंस हैं। मेन नैरेटर सेटिंग्स में अगर हम देखें सबसे पहला ऑप्शन आता है इको यूजर्स की स्ट्रोक। तो ये क्या बताएगा, की स्ट्रोक्स मतलब जो की प्रेस होगी, यूज़र मतलब यूज़र जो की प्रेस करेगा उसको इको करेगा, मतलब उसको बोलेगा। तो दिस ऑप्शन मेक्स द नैरेटर रीड आउट वॉट एवर इज गोइंग टू बी टाइप्ड। जो भी टाइप होने वाला है ये उसको रीड करता है। अनाउंस सिस्टम मैसेजेस, ये क्या करेगा, सिस्टम मैसेजेस को अनाउंस करेगा। मतलब जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आता है बैकग्राउंड इवेंट को लेकर तो नैरेटर ओपन होगा और फटाफट से उस नोटिफिकेशन को रीड कर देगा लाउडली। थर्ड आता है अनाउंस स्क्रॉल नोटिफिकेशन। ये क्या करता है, व्हेनेवर स्क्रीन इज स्क्रॉल्ड, जब भी स्क्रीन को स्क्रॉल किया जाता है उस टाइम पे ये फटाफट से नैरेटर जो है बोल देता है कि स्क्रीन स्क्रॉल हुई है। फोर्थ ऑप्शन आता है स्टार्ट नैरेटर मिनिमाइज्ड। मतलब क्या हुआ, इस ऑप्शन की मदद से नैरेटर अपीयर्स एज एन आइकन ऑन द टास्क बार। ओपन नहीं होता है लेकिन ओपन होने के लिए एक आइकन की तरह हमको वहाँ दिखता है, जैसे ही हमें चाहिए वैसे ही हम क्लिक कर देंगे तो वहाँ पे वो फुल साइज़ में ओपन हो जाएगा। समझ में आ गया। तो ये सारी चीज़ें की मदद से हम नैरेटर को क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, जिससे कोई पर्सन जिसको दिखाई कम देता हो और सुन के वो उस काम को ईजीली बहुत अच्छे से कर सकता है। वॉइस सेटिंग्स बटन दिख रहा है आपको नीचे। वॉइस सेटिंग बटन से आप वॉइस बॉक्स में जाकर वॉइस किस तरह से होगी वो सिलेक्ट कर सकते हो, स्पीड सिलेक्ट कर सकते हो कि पर्सन को एक फास्ट नैरेटिव स्पीड चाहिए या फिर स्लो नैरेटिव स्पीड चाहिए, वॉल्यूम कैसी चाहिए, पिच कैसी चाहिए, हाई पिच, लो पिच, वॉट एवर। तो जो भी वॉइस सेटिंग्स हैं वो सारी वॉइस सेटिंग्स आप इस ऑप्शन से क्लियर कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन आता है स्टार्ट ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। ऑन स्क्रीन कीबोर्ड मतलब जैसे किसी का कीबोर्ड यहाँ नहीं है, बटन प्रेस करने में प्रॉब्लम होती हो तो स्क्रीन पे कीबोर्ड आ जाता है, स्क्रीन पे कीबोर्ड आपको दिखता है प्रॉपरली। ये स्क्रीन कीबोर्ड की मदद से आपका अगर कीबोर्ड ख़राब भी है तो आप इस कीबोर्ड को यूज़ कर सकते हो। तो इसके भी ऑप्शंस होते हैं, इसमें भी ऑप्शन आता है कीबोर्ड ऑप्शंस। इस कीबोर्ड ऑप्शन में सबसे पहले आपको दिख रहा है यूज़ क्लिक साउंड। तो ये किस लिए होता है, इस पर अगर आपने टिक कर दिया तो जब जब आप ऑन स्क्रीन कीबोर्ड पे कोई बटन प्रेस करोगे तो आपको एक साउंड आएगा। टर्न ऑन न्यूमेरिक कीपैड, इसमें ये होता है कि जब आप ये चेकबॉक्स को टिक करते हो तो ये न्यूमेरिक कीपैड भी दिखाएगा ऑन स्क्रीन कीबोर्ड के राइट हैंड साइड पे। जनरली विजिबल नहीं होता है अगर आपने इसको टिक नहीं किया है तो, और अगर आपने टिक कर दिया तो आपको राइट हैंड साइड पे न्यूमेरिक कीबोर्ड भी दिखाएगा जैसे हमारे ओरिजिनल कीबोर्ड पे शो होता है। टू यूज़ द ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, उसमें लिखा है क्लिक ऑन कीज़। क्लिक ऑन कीज़ मतलब ये यूजुअल मेथड है टाइपिंग की कि जब आपको कोई चीज़ टाइप करनी है ऑन स्क्रीन कीबोर्ड से तो आप उस की को जाके क्लिक करो, की को क्लिक करोगे तो वो टाइप हो जाएगा। होवर ओवर द कीज़ मतलब अगर आपने इसको टिक कर दिया तो मतलब आप जिस भी की के ऊपर माउस कर्सर लेकर जाओगे वो उस की को प्रेस कर देगा। सेकंड ऑप्शन तो ये हो गया। थर्ड ऑप्शन आता है स्कैन थ्रू कीज़, मतलब द ऑन स्क्रीन कीबोर्ड कंटिन्यूअली स्कैन्स द कीबोर्ड रो बाय रो, मतलब वो पूरे ऑन स्क्रीन कीबोर्ड जो होता है वो कीज़ को रो बाय रो स्कैन करता है। फोर्थ ऑप्शन है यूजिंग अदर इनपुट डिवाइसेस। अगर आपके पास कोई जॉयस्टिक है या फिर गेम कंट्रोलर है जो कंप्यूटर से कनेक्टेड है तो माउस की जगह आप उस जॉयस्टिक या फिर गेम कंट्रोलर को भी यूज़ कर सकते हो बाय टिकिंग और चेकिंग इट। समझ में आ गया। फोर्थ है टेक्स्ट प्रेडिक्शन, सबसे लास्ट ऑप्शन दिख रहा है आपको टेक्स्ट प्रेडिक्शन। इस ऑप्शन में क्या होता है, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड आपकी स्पीड बढ़ा देता है। किस वजह से, जैसे ही हम कोई लेटर टाइप करते हैं तो कंप्यूटर वो वर्ड को गैस करता है। जैसे हम मोबाइल में भी अगर हम टाइप करते हैं तो ऊपर सजेशंस आते हैं, वो सजेशंस क्या दिखाते हैं, जैसे हमने कोई आधा वर्ड टाइप किया मतलब उसकी स्पेलिंग आधी लिखी है तो वो ऊपर पूरा वर्ड गैस करके दे देता है कि आप क्या लिखना चाह रहे हो, और हम उस पर जस्ट क्लिक कर देते हैं, जिसकी मदद से क्या होता है कि हमारी टाइपिंग जो होती है वो स्पीड फास्ट हो जाती है। जो भी हमें चाहिए हम उस पर क्लिक कर देते हैं जिसकी मदद से हमारी टाइपिंग इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है सेटअप हाई कॉन्ट्रास्ट। सेटअप हाई कॉन्ट्रास्ट मतलब कलर कॉन्ट्रास्ट करेंगे हम, जिसकी वजह से हमें टेक्स्ट और इमेजेस जो हैं कंप्यूटर में वो सारी चीज़ें प्रॉपरली दिखें। तो अगर हमने हाई कॉन्ट्रास्ट ऑप्शन को यूज़ किया है तो इससे आई स्ट्रेन रिड्यूस हो जाता है और दिस मेक्स द आइटम्स मोर डिस्टिंक्ट एंड ईजियर टू आइडेंटिफाई। सारी चीज़ें क्लियर दिखती हैं, अलग अलग दिखती हैं, दूर दूर दिखती हैं। किसी को टेक्स्ट पढ़ने में प्रॉब्लम होती है तो वो टेक्स्ट भी क्लियरली विजिबल होता है। अगर हम इसमें देखें तो हाई कॉन्ट्रास्ट थीम भी हम डिसाइड कर सकते हैं। जो डेस्कटॉप की थीम्स होती हैं वो भी हाई कॉन्ट्रास्ट थीम सिलेक्ट हो सकती हैं एंड दिस मेक्स द कंप्यूटर ईजी टू सी। इस सेशन में नेक्स्ट हेडिंग आती है यूजिंग रिकमेंडेड सेटिंग्स। यूजिंग रिकमेंडेड सेटिंग्स मतलब विंडोज़ 7 जो होती है ये फिजिकल लिमिटेशंस को और ज़्यादा इम्प्रूव कर देता है। किस तरह से, ये कुछ सर्टेन क्वेश्चंस पूछते हैं 5 सेक्शंस के बेसिस पे। ये 5 सेक्शन इन्होंने कैटेगराइज करे हुए हैं, आईसाइट, डेक्स्टेरिटी, हियरिंग, स्पीच, रीजनिंग। इन 5 कैटेगरीज के बेसिस पे कंप्यूटर आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेगा और उस क्वेश्चंस को अगर आप आंसर देते हैं तो उन आंसर्स के बेसिस पर वो पूरी कंप्यूटर की सेटिंग चेंज कर देता है। जैसे आईसाइट की बात करें तो वो अगर आईसाइट के बारे में पूछेगा कि अगर आपको कम दिखता है, इमेजेस जो होती हैं टीवी पे वो आपको डिफ़िकल्ट होती हैं देखने में, लाइटनिंग कंडीशंस अगर ब्राइट लाइट होती है तो आप क्लियरली नहीं देख पाते हो, अगर आपने ऐसा किया है तो वो लाइट कम कर देगा। अगर आप वो बोल दो कि आई एम ब्लाइंड तो वो फिर कुछ और चीज़ें करेगा, वो नैरेटर ओपन कर देगा क्योंकि अगर आपको दिख नहीं रहा है तो नैरेटर की हेल्प से आपको सारी चीज़ें प्रॉपरली शो करेगा। डेक्स्टेरिटी, डेक्स्टेरिटी का मतलब होता है एबिलिटी टू यूज़ योर हैंड्स। अगर आप हैंड्स यूज़ नहीं कर पा रहे हो प्रॉपरली तो वो ऑन स्क्रीन कीबोर्ड की मदद ले लेगा। हियरिंग, स्पीच, रीजनिंग, ये सारी चीज़ों के बेसिस पे वो आपसे क्वेश्चंस करता है और जब आप इन क्वेश्चंस के आंसर दे देते हो तो उसके अकॉर्डिंग वो पूरी कंप्यूटर की सेटिंग्स को कस्टमाइज़ कर देता है। तो ये विंडोज़ 7 टोटल फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रही है कि आपको जैसी चीज़ें चाहिए, कंप्यूटर जैसा चाहिए, वो उसके अकॉर्डिंग आपकी ज़रूरत के हिसाब से वो सारे फीचर्स जो हैं वो चेंज कर देता है और इट इज़ यूज़र फ्रेंडली। देन नाउ नेक्स्ट हेडिंग आती है एक्सप्लोर ऑल सेटिंग्स ऑफ ईज़ ऑफ एक्सेस सेंटर। तो ईज़ ऑफ एक्सेस सेंटर की अगर हम फर्दर सेटिंग्स देखें कस्टमाइज़ करने के लिए हमारे कंप्यूटर को, तो उसमें बहुत सारी हेडिंग्स हैं, बहुत सारी सेटिंग्स हैं, जिन सेटिंग्स को हम वन बाय वन पढ़ते हैं। पहली सेटिंग आती है यूज़ द कंप्यूटर विदाउट अ डिस्प्ले। अगर डिस्प्ले नहीं है आपके पास तो आप कंप्यूटर को बिना डिस्प्ले के भी यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ कर सकते हैं, हमने अभी देखा नरेटर काम करता है। नरेटर क्या करता है, जैसे हमने नरेटर को ऑन किया है उसी तरह से जैसे ही हम नरेटर को ऑन करते हैं वैसे ही वो सारी चीज़ें स्क्रीन पर जो भी है वो सारी चीज़ें आपको वो ज़ोर से रीड करने लग जाता है। टर्न ऑन नरेटर ऑप्शन दिख रहा है, इसमें सेकेंड ऑप्शन दिख रहा है टर्न ऑन ऑडियो डिस्क्रिप्शन। इसकी मदद से क्या होता है, जैसे ही आप विंडोज़ में लॉगिन करते हो ऑडियो डिस्क्रिप्शन सारी चीज़ें इवेंट दिखा देता है। इन वीडियो में जो भी इवेंट हो रहा है वो सारा इवेंट आपको वो बोल के डिस्क्राइब करता है। जैसे सपोज़ अगर कंप्यूटर पे वीडियो चल रहा है और आपका स्क्रीन मॉनिटर डिस्प्ले नहीं है तो वो सारी चीज़ें सुना देता है। स्क्रीन पे जो भी चीज़ें दिख रही हैं वो सारी चीज़ें वो ऑडियो के थ्रू डिस्क्राइब कर देता है। थर्ड ऑप्शन दिख रहा है आपको टर्न ऑफ ऑल अननेसेसरी एनिमेशंस। चेकबॉक्स जो है लास्ट वाला, टर्न ऑफ ऑल अननेसेसरी एनिमेशंस। तो ये क्या करता है, जितने भी एनिमेशन इफेक्ट्स हैं कंप्यूटर पर चल रहे हैं उन सबको टर्न ऑफ कर देता है, क्योंकि आपको डिस्प्ले तो दिख नहीं रहा है तो आप इससे वो सारी चीज़ें कर सकते हो। और उसके बाद लास्ट ऑप्शन है हाउ लॉन्ग शुड विंडोज़ नोटिफिकेशन डायलॉग बॉक्सेस स्टे ओपन। डिस्प्ले नहीं है तो जो विंडो नोटिफिकेशन दिखता है, नोटिफिकेशन डायलॉग बॉक्सेस आते हैं स्क्रीन पर, वो कितने टाइम तक ओपन रहने चाहिए ये हम वहाँ पे टाइम डिसाइड कर सकते हैं। जैसे कि इसमें दिख रहा है आपको 5 सेकेंड्स लिखा हुआ है, आप 10 सेकेंड 15 सेकेंड्स कोई सा भी टाइम आपके अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन आता है इसमें मेकिंग द कंप्यूटर ईजियर टू सी। कंप्यूटर को देखने के लिए हम बहुत आसान बना लेते हैं, तो इसके लिए हमने अभी पीछे पढ़ा था कि हम कॉन्ट्रास्ट देखते हैं, कलर वैल्यूज़ हैं, इन्वर्जन्स हैं, ये सारी चीज़ें फोकस वगैरह सब चेंज करते हैं। तो वन बाय वन हम इसकी सेटिंग्स को भी देख लेते हैं। सबसे पहला है हाई कॉन्ट्रास्ट, तो इसमें आपको अलग अलग ऑप्शंस दिख रहे हैं। डिस्प्ले अ वार्निंग मैसेज व्हेन टर्निंग अ सेटिंग ऑन, मेक अ साउंड व्हेन टर्निंग अ सेटिंग ऑन और ऑफ। तो ये सारी चीज़ों की वजह से आप इसको बहुत इजीली यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है एडजस्ट द कलर एंड ट्रांसपेरेंसी ऑफ द विंडो बॉर्डर्स। मतलब इस ऑप्शन की मदद से आप क्या कर सकते हो, जो विंडो की बॉर्डर्स दिखती हैं उनको आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, जिसकी वजह से हमको वो पूरी विंडो जो है प्रॉपरली दिख सकती है। थर्ड ऑप्शन आता है फाइन ट्यून डिस्प्ले इफेक्ट्स। दिस ऑप्शन से क्या कर सकते हैं हम, दिस अलाउज यू टू कस्टमाइज द अपीयरेंस ऑफ सर्टेन आइटम्स ऑन योर डेस्कटॉप। जब भी कोई चीज़ एक पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर आप इस सेटिंग को डिसाइड कर सकते हो, एक पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर अगर आपने ये सेटिंग करी है तो उसका अपीयरेंस कैसा होगा, इससे ये पूरा कस्टमाइज हो जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है मेक द फोकस रेक्टेंगल थिकर। इससे क्या होगा, जो रेक्टेंगल होता है, फोकस रेक्टेंगल आता है, जो करेंटली सिलेक्टेड आइटम होता है, जब भी हम किसी चीज़ को सिलेक्ट करते हैं तो वो हाईलाइट होता है, उसके ऊपर एक बॉक्स बन जाता है, तो वो बॉक्स को हम थिकर बना सकते हैं जिसकी वजह से वो और उभर के दिखे, हमको क्लियरली विजिबल हो। सेट द थिकनेस ऑफ द ब्लिंकिंग कर्सर। जो कर्सर ब्लिंक होता है वो बहुत छोटा होता है, जिसकी वजह से कई बार अगर किसी को नहीं प्रॉपरली दिखता है तो उसको दिखने में प्रॉब्लम होती है, तो इसके लिए क्या करते हैं हम, इससे उसकी थिकनेस को भी डिसाइड कर सकते हैं। रिमूव बैकग्राउंड इमेजेस, इस ऑप्शन से क्या होता है, दिस ऑप्शन हेल्प्स इन मेकिंग द स्क्रीन ईजियर टू सी बाय टर्निंग ऑफ ऑल अनइम्पॉर्टेंट ओवरलैप्ड कंटेंट एंड बैकग्राउंड इमेजेस। मतलब क्या हुआ कि जितनी भी स्क्रीन पे हमको चीज़ें दिखती हैं वो प्रॉपरली स्क्रीन को दिखाने में हेल्प करता है। किस तरह से, जो भी अनइम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, ओवरलैप्ड कंटेंट है, बैकग्राउंड इमेजेस हैं, उन सबको हटा देता है। हटाने से क्या होता है, हमको स्क्रीन प्रॉपरली विजिबल होती है। थर्ड है यूज़ द कंप्यूटर विदाउट अ माउस और कीबोर्ड। अगर आपके पास माउस नहीं है या फिर कीबोर्ड नहीं है, तो दोनों में से कोई भी चीज़ अगर ना है तो आप तो भी कंप्यूटर को यूज़ कर सकते हो। तो इसके लिए सबसे पहला ऑप्शन है यूज़ ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। जैसा कि हम पीछे देख चुके हैं ऑन स्क्रीन कीबोर्ड होता है, वो हमको बहुत अच्छे से हेल्प करता है। यूज़ स्पीच रिकॉग्निशन। स्पीच रिकॉग्निशन मतलब आप बोल दो, कंप्यूटर सुन लेगा और वो काम कर देगा। यू कैन स्पीक कमांड्स विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। समझ में आ गया, जैसे हम मोबाइल में गूगल पे कोई चीज़ अगर हमको बोलनी है, टाइप नहीं करना है, तो माइक्रोफोन होता है, माइक्रोफोन की हेल्प से हम बोल देते हैं, वो सर्च हो जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट ऑप्शन इज मेक द माउस ईजियर टू यूज़। माउस को ईजी बनाना यूज़ करने के लिए, तो इसके लिए चेंज द कलर एंड साइज ऑफ माउस पॉइंटर। अगर आपको माउस का पॉइंटर क्लियरली विजिबल नहीं है तो आप उसका कलर चेंज कर सकते हो, एज वेल एज साइज़ भी चेंज कर सकते हो। सेटिंग्स में आपको दिख रहे हैं अलग अलग साइज़ हैं, अलग अलग कलर हैं, जिससे आपको वो प्रॉपर्ली दिख रहा है। रेगुलर वाइट, लार्ज वाइट, एक्स्ट्रा वाइट, रेगुलर ब्लैक, लार्ज ब्लैक, एक्स्ट्रा लार्ज ब्लैक। तो ये सारे अलग अलग शेप्स हैं, कलर्स हैं, साइज़ हैं, जिसकी मदद से आप उसको प्रॉपर्ली देख सकते हो। टर्न ऑन माउस कीज़, मतलब दिस ऑप्शन कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ द माउस पॉइंटर बाय यूजिंग द न्यूमेरिक कीपैड। न्यूमेरिक कीपैड को यूज़ करके हम माउस की कीज़ को प्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है एक्टिवेट अ विंडो बाय होवरिंग ओवर इट विद द माउस। बिना क्लिक करे अगर हम किसी विंडो के ऊपर माउस का कर्सर ले जाते हैं तो वो उसको एक्टिवेट कर देता है। कई बार अगर रहता है जैसे 2-3 विंडो ओवरलैप्ड हैं तो किसी एक विंडो पे क्लिक करना पड़ता है उसको सिलेक्ट करने के लिए, उसको हाईलाइट करने के लिए, एक्टिवेट करने के लिए। लेकिन अगर आप चाहो तो इस ऑप्शन को टिक कर दोगे तो आप बस उस विंडो के ऊपर जाओगे तो वो एक्टिवेट हो जाएगी। इसकी वजह से क्या होता है, आपको बार बार क्लिक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप जिस विंडो के ऊपर गए वो विंडो एक्टिवेट हो जाएगी। नेक्स्ट है प्रिवेंट विंडोज़ फ्रॉम बीइंग ऑटोमेटिकली अरेंज्ड व्हेन मूव्ड टू द एज ऑफ द स्क्रीन। इसका मतलब क्या हुआ कि ये विंडो को रोकता है। जैसे अगर हमने विंडो को सेलेक्ट कर रखा है और ड्रैग करके हम कॉर्नर में ले जाएंगे तो वो अपने आप को पूरे विंडो पे एज पे अरेंज कर लेती है। लेकिन ये ऑप्शन अगर आपको नहीं करना है तो आप इस चेक बॉक्स पे टिक कर सकते हो, जिसकी वजह से ये नहीं होगा। नेक्स्ट सेटिंग आती है मेक द कीबोर्ड ईजियर टू यूज़, मतलब अब कीबोर्ड को ईजिली यूज़ करें। कैसे? टर्न ऑन माउस कीज़। माउस कीज़ जैसे हमने पीछे पढ़ा, उनको ऑन कर दोगे तो आप कीबोर्ड को ईजिली यूज़ कर सकते हो। टर्न ऑन स्टिकी कीज़। स्टिकी कीज़ क्या होती है, जैसे अगर आपने शिफ्ट की है, कंट्रोल की है, ऑल्ट की है, इनको कंटिन्यूसली प्रेस कर रखा है, क्योंकि ये होती है शॉर्टकट कीज़ का सपोर्ट करती हैं ये। तो अगर आपने इसको प्रेस करके रखा है जिसकी वजह से कोई और शॉर्टकट की ना बन जाए, प्रेस हो जाए, तो उसके लिए ये होती है। अगर आपने कुछ टाइम पीरियड के लिए अगर 5 सेकेंड्स तक आपने इसको होल्ड करके रखा है तो वो प्रेस हो जाएगा। स्टिकी कीज़ का मैसेज आ जाएगा, डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा आपको, और वो बता देगा कि टर्न ऑन स्टिकी कीज़। आगे समझ में नेक्स्ट ऑप्शन आता है टर्न ऑन टॉगल कीज़। तो इससे क्या होता है, कैप्स लॉक है, नम लॉक है, स्क्रोल लॉक है, ये सारी टॉगल कीज़ होती हैं। तो अगर हमने कैप्स लॉक को प्रेस किया है कैपिटल लेटर लिखने के लिए तो कैप्स लॉक वापस से टर्न ऑफ हो जाए जब हमें लोअर केस चाहिए, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, चेक बॉक्स पे टिक करना पड़ता है टू टॉगल कीज़ ऑन और ऑफ करने के लिए। नेक्स्ट आता है टर्न ऑन फिल्टर कीज़। फिल्टर कीज़ से क्या होता है, कंप्यूटर रिकॉग्नाइज कर पाता है मल्टीपल की प्रेसेस एज ए सिंगल की प्रेस। अगर हमने बहुत सारे की प्रेस सिंगल करे हैं अलग अलग टाइम पे तो वो उनको एक सिंगल प्रेस ले ले, वो होता है टर्न ऑन फिल्टर कीज़। नेक्स्ट आता है टर्न ऑन बाउंस कीज़। जब फिल्टर कीज़ को अवॉइड किया जाता है, अगर फिल्टर कीज़ की जो प्रॉब्लम होती है उसको अवॉइड किया जाता है इन केस ऑफ एक्सीडेंटल मल्टीपल डिप्रेशन ऑफ अ की, तो इसके लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ता है, टर्न ऑन बाउंस कीज़। नेक्स्ट ऑप्शन आता है टर्न ऑन रिपीट कीज़ एंड स्लो कीज़। मतलब इफ़ वी क्लिक ऑन टर्न ऑन रिपीट कीज़ एंड स्लो कीज़ तो उससे क्या होता है, हम किसी भी की के लिए मिनिमम टाइम इंटरवल को डिसाइड कर सकते हैं कि वो किस तरह से, किस लिए वो की जो है वो प्रेस किया गया है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है यूज़ टेक्स्ट और विजुअल अल्टरनेटिव्स फॉर साउंड। मतलब टेक्स्ट और विजुअल अल्टरनेटिव्स यूज़ करेंगे हम साउंड के लिए। जिनको सुनने में प्रॉब्लम होती है तो उनको सुनाने के बजाय हम क्या करेंगे, उनको विजुअली वो चीज़ डिस्प्ले करा सकते हैं। नेक्स्ट आता है मेक इट ईजियर टू फोकस ऑन टास्क। इससे क्या होता है, जो हमारा टास्क होते हैं वो सारे हमारे प्रॉपर्ली हो जाते हैं। सो दिस इज़ द लास्ट ऑप्शन जो हमको इसमें दिखता है, लास्ट सेटिंग होती है। तो इस सारी चीज़ों की वजह से हम क्या कर पाते हैं, हमारे कंप्यूटर को ईजिली यूज़ कर पाते हैं। हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो होगी सेशन 2 की, चैप्टर नंबर 2 के नेटवर्किंग फंडामेंटल्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट कि आपको वीडियो कैसी लगी, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल।